दर्शकों नमस्कार, और अरुण मूवी न्यूज चैनल में आप सबको मैं स्वागत करना चाहूंगा। आज आप जो देख रहा है ये जो है दापोरिजो टाउन है, गांधी मार्केट कहा जाता है दापोरिजो के वासी। तो यहाँ पे जो है यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार इंजीनियर तान्या सोकी का जो है एक रोड शो दिखाया जा रहा है। एक प्रकार से इसको देखा जाए तो इसको शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है। और भाजपा का पॉपुलेशन आप देख सकता है, मेरे बैकग्राउंड में जितने भी लोग हैं ये जो है भाजपा का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। तो मतदान का समय जो है करीब है, जो जनता जो है अभी उत्सुक के साथ जोश के साथ जो है भाजपा के कैंडिडेट चार को जो सपोर्ट करने के लिए आने वाला 5 साल में जो है दापुर जो कंस्टिट्यूंसी के विकास के लिए है भाजपा का जो नेता का जो नेता को जो है साथ दे रहा है। तो इसके इस विषय में जो है आप सब जानने के लिए मैं विस्तार रूप से मैं आपको आज के कार्यक्रम को दिखाऊंगा। आप सब जो है अरुण भूमि न्यूज चैनल के साथ बने रहे। भाजपा प्रति परिवार की ओर से आपको एक मैसेज देना है कि हमारा भाजपा जैसे एकजुटता है, और ये 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के जो आने वाला ये चुनाव में हमारे यहाँ के विधायक जो रह चुके इस बार के जो पार्टी के उम्मीदवार सोकी साहब का ये कितना पार्टी उनका ऊपर विश्वास है, ये हम आप लोग को मैसेज एक देना चाहूंगा। तो आप सभी ने निर्देश किया कि लास्ट 6 अप्रैल में हमारे यूनियन मिनिस्टर और इस बार के हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रिजिजू साहब आए थे, और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने यहाँ हमारा मेगा रैली में आके हमारे सोकी साहब के ऊपर कितना विश्वास उन्होंने जताया, और सोकी साहब पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटी जो काम किया है उसका पूरा तारीफ करके किया है। और सोकी साहब को जो दोबारा आप लोग विदेश किया है कि कितना लोग एक एस्पायरेंट कैंडिडेट की सब में टिकट ट्राई किया, लेकिन भी हमारे पार्टी ने हमारा स्टेट के पेमा खांडू सरकार ने और हमारे सेंट्रल के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये तय किया कि ये आने वाला 2024 को ये इलेक्शन में सोकी साहब को हमारा पार्टी टिकट दिया गया है, और सोकी साहब का जो डेवलपमेंट जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके ऊपर एक विश्वास एक हमारे पार्टी हाईकमांड का ओर से किया गया है। और आप लोग देखिए जो अभी हमारा यहाँ का जो कंटेंडर जो एनपीपी का जो कैंडिडेट बोल रहा है कि हम दापोरिजो का सर्कल बदलेंगे, दापोरिजो का हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन आप ओपोजिशन पार्टी में रह के कैसे डेवलपमेंट कराएंगे? तो उसका एक लास्ट वीडियो एक क्लिप आप सभी ने देखा होगा, जब युवा के विजिट में हम एमएलए बना, हमने बहुत काम डेवलपमेंट करने की कोशिश किया, लेकिन जब मेरा सरकार गिर जाने के बाद हम ओपोजिशन एमएलए बन के कुछ नहीं कर पाया, ये उनका अपना शब्दों में कहा गया है। अब तब एमएलए था जब ओपोजिशन में कुछ नहीं कर सकता है, तो आज आप क्या कर पाओगे? इसीलिए आप एक अच्छा इंसान बनना, दोस्ती यारी बनना एक अलग है, लेकिन हमारा अपर सुबनसिरी के जो हेडक्वार्टर जो दापोर जो टाउनशिप, ये हमारा अपर सुबनसिरी का एक फेस है, चेहरा है। इस चेहरा को सुंदर कराने में आज के समय जिस तरह हमारा देश में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हमारा मोदी जी का लीडरशिप में जो एक विजन लेके, और हमारे स्टेट में जो पेमा खांडू जी का एक
विजन डेवलपमेंट जो काम जो कर सकता है वो हमारा रूलिंग पार्टी में रह के ही कर सकता है। यहाँ के जो समर्थक है, यहाँ के समर्थक से भी मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा, एग्जैक्टली जो है ये 1500 सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको आपका नाम? मेरा नाम है कोजे रेविदासी। तो आपका जो प्लेक पकड़ने वाला और केप पहनने वाला को देखकर लग रहा है कि जो आप ईआर 1500 का सपोर्टर है, तो अब जो है मैं सीधा सवाल करता हूँ, ये जो है आप सोकी सर को इस बार सपोर्ट करने का आपका मेन मुद्दा क्या है? सोकी सर को मेन सपोर्ट करने का मेन मुद्दा ये है कि हमारा देश में जो बीजेपी का सरकार है और हमारे स्टेट में भी बीजेपी का सरकार है, जो सोकी सर का सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि सरकार के साथ हो रहे तो हमारा 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी का लिए बिल्कुल डेवलपमेंट अच्छा करेगा। और मैं उम्मीद से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट 2019 का इलेक्शन में आप किसको साथ दिया था? लास्ट 2019 में मैं तो जेडीयू को साथ दिया था लास्ट बार में। तो जेडीयू इसलिए साथ दिया था कि वो मतलब इस बार उससे चोरा इसलिए कि वो गवर्नमेंट ने बिना गवर्नमेंट में कुछ डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सोकी सर और मोदी जी और बीजेपी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा हूं। इलेक्शन में देखा जाए तो डेवलपमेंट को लेके जो है साथ देता है, जो डेवलपमेंट जैसे कि अब कहा जाए तो 2019 से लेके आज के दिन तक जो है अभी का जो आप जो सपोर्ट कर रहा है, तन्या सोकी जी जो है एमएलए थे, तो तन्या सोकी जी जो 5 साल के एमएलए के कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट काम किया? हाँ सर, तन्या सोकी ने 2 साल कोरोना काले का बावजूद भी इतना डेवलपमेंट किया है कि 3 साल में इतना डेवलपमेंट किया है कि हमारा कॉलोनी का रोड देखिए इतना खराब था, इतना सुधार लाया, मार्केट का इतना ड्रेन नहीं था, ड्रेन बनवाया, इतना वो अब सिगिन ब्रिज में देखिए स्टील ब्रिज था, इतना सर्किल बैठा हुआ था, वो एकदम परमानेंट ब्रिज बना दिया, तो टाउन के अंदर में इतना डेवलपमेंट कर दिया कि इसलिए 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना भी पब्लिक है सब उसका उसी को सपोर्ट कर रहा है और हम भी सब मिलकर उसको जैसे भी एमएलए बनाएगा इस बार। तो आज मैं आपको दोबारा पूछना चाहता हूँ, आप ऐसे एमएलए बनना दापर जो 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए जो है पूरा सारा 15 साल में 5 साल में सिर्फ 15 करोड़ में डिपेंडेंट होना है ना नहीं होना है? आप 1000 करोड़ का लागत में डेवलपमेंट देखना चाहता है कि नहीं चाहता है? आप 1000 करोड़ में डेवलपमेंट एक्टिविटी पे आप भी शरीकों के आप पार्टिसिपेट करके करना चाहता है तो आप बीजेपी उम्मीदवार को जीताना ही होगा। वो बीजेपी एमएलए वहां जाके असेंबली में बात करना होगा। दापोर जो 24 कॉन्स्टिट्यूएंसी अपर सुबनसिरी का हब है, ये जो सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, बिजनेस बोलो कहीं भी बोलो, दापोर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो एमएलए ये जो है पूरा एंटायर अपर सुबनसिरी जो पूरा तगिन कम्युनिटी का ये हेडक्वार्टर है, ये सेंटर है। यहाँ का उम्मीदवार यहाँ का एमएलए असेंबली में जाके ऐसे बैठना है ना बात करना है? कौन बात कर सकता है? आप ये रिकॉर्ड देखे दापोरिजो का असेंबली जब ब्लैक तदादुलन का बाद कोई भी एमएलए उधर गया है, कौन कितना कुशल किया, कौन कितना स्पीच किया, आप रिकॉर्ड निकाल करके देखे सबसे ज्यादा किसने बोला। और आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं दापोरिजो का आपका उम्मीदवार आपका एमएलए आपका रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाके सभी के सामने में कि अपना हक को दापोरिजो का कॉन्स्टिट्यूशन का हक को मांगने का किसके पास हिम्मत है? मैं मांग सकता हूं। आपका आपका समस्या को आपका दर्द को आपका इच्छा को आपका चाहत को हम असेंबली में लड़के निकल सकता हूं। एमएलए जीत करके फर्स्ट टाइम गया वहां जो मैंने 3 चीजें जिक्र किया, एक जो है रिवाइवल ऑफ मंगा प्रोजेक्ट, दूसरा जो है ये महबूबा को गेरुका मूल रोड, तीसरा है दापोरिजो का स्वच्छता के लिए। आज वो तीनों का तीन सफल हो गया, मंगा हाइडल प्रोजेक्ट रिवाइव हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ एमओयू साइन हो गया और उधर हमारा
सिगिन नदी का आरसीसी ब्रिज कंपोजिट आरसीसी डबल लेन में बन गया। अच्छा वहां एक जो है दूसरा का बना हुआ थोड़ा सस्पेंशन ब्रिज को रिपेयर करके लोग इतना सोशल मीडिया में उत्साहित हो गया था। आज वो सस्पेंशन ब्रिज रिपेयर वाला है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं है अभी वो सस्पेंशन ब्रिज में गाड़ी चलेगा ना आदमी चलेगा ना ये जो आरसीसी ब्रिज में चलेगा। कौन वाला आरसीसी ब्रिज अच्छा है ना वो सस्पेंशन ब्रिज अच्छा है? कौन वो नेता लोग था जो सस्पेंशन ब्रिज से खुशी होके सोशल मीडिया में उछल रहा था? वो सोशल मीडिया में उछलने का लाइक था? आज आरसीसी ब्रिज को ऊपर में हम बैठ करके डांस करने का लाइक है कि नहीं? आप सब देख सकता है अभी दिन से लेकर के जो अभी अंधेरा होने को है ये नया मार्केट है। शुरुआत गंदी मार्केट पे किया था लेकिन अभी आप देख सकता है अभी भी यहाँ पे भीड़ भाड़ है। तो मैंने जो है गंदी मार्केट पे जो है पब्लिक व्यू जो है लड़का की तरफ से मैंने जानने की कोशिश की थी। अब मैं जो है यहाँ के तीन तनिया सोकी के भाजपा के सपोर्टर लेडीज से भी मैं कुछ जानने की कोशिश करी। तो सबसे पहले जो है इस विधानसभा इलेक्शन को कहा जाए तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है ऐसे और तीन विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे जो है विधानसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अपर सुबनसिरी में चार विधानसभा क्षेत्र होते हैं तो उनमें से जो है 23 तालिया कंस्टिट्यूएंसी जो है अनअपोज हो चुका है। तो उसमें जो है अब बाकी है दापोरजो कंस्टिट्यूएंसी, दुमपुरजो कंस्टिट्यूएंसी और नाचो कंस्टिट्यूएंसी। तो उसमें जो है करारा टक्कर माना जा रहा है। जो आज के दिन जो है यहाँ पे जो 14 अगस्त है आज तक जो है पोस्टल वोट कास्टिंग किया जा चुका है लेकिन आने वाला जो है पोलिंग साइट में जो वोटिंग होने जा रहा है उसको लेकर के जो है आखिरी दम तक जो है टीम भाजपा जो है जनता से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस विषय में जो है आज के जो मार्केट लाइन पे जो है रोड शो किया जा रहा है मौजूदा एमएलए ईआर तनिया सोकी जी, जो ईआर तनिया सोकी जी को आने वाला चुनाव में क्यों चुनना चाहिए, किसने चुनना चाहिए, उसको लेकर के जो है मैं यहाँ के कुछ लेडीज से मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका नाम? मेरा नाम दुंगम रुपुक है, एमसीपी 10 का जीपीसी है। दुंगम रुपुक बायोर, दुंगम रुपुक बायोर जी से मैं जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, ये जो आप जो है भाजपा बीजेपी को आप क्या मानता है, एक क्या पार्टी मानता है? बीजेपी जो ये हम लोग का नेशन में से सबसे बड़ा पार्टी मानता है हम उसको ना, और मोदी जी का काम को, पेमा का काम को, उसका बतनिया सुखी का काम को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बीजेपी को हम सोचते हैं बहुत। हम लोग को जितना भी दापोरिज होगा ना, जितना भी पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट करता है आप लोग ये बार भी बीजेपी को ही वोट दीजिए क्योंकि नेक्स्ट में 2024 में हम लोग जो फिर से बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड में नंबर वन बीजेपी रूप देखने के लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। और सोखी सर जो है 5 साल यहाँ का एमएलए था, तो उसमें जो है आपका हिसाब से सोखी सर ने 5 साल में अच्छा काम किया? सोकी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन किसी किसी को ये दापोरिजो में किसी किसी इंसान को जो उसका काम को हजम नहीं हो रहा है। मैं तो यही सोकी साहब को कहना चाहूंगा, अगर ये 24 में आप अगर इलेक्शन में जीतता है तो आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ वहाँ से दिल्ली से एक पावर चश्मा मंगा के जो लोग को हजम नहीं होता वो पावर चश्मा को लगा के जितना उसका डेवलपमेंट रोड बनाए उसको पहने दीजिए, वही एक रिक्वेस्ट है सोकी साहब से। मतलब आने वाला अगर सोकी सर जीतता है तो जनता के लिए अच्छा काम करेगा बोल के आपको उम्मीद है? ये सोकी सर जो 5 इयर्स में 2 इयर्स जो कोरोना खा दिया, 3 इयर्स में तो इतना अच्छा काम किया था, उम्मीद करते हैं दापोरिजो को सोकी सर भी खूबसूरत बना सकता है, बीजेपी भी खूबसूरत बना सकता है और कोई भी किसी क्या जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो आपने अभी सुना होगा लेडीज, इस लेडीज ने क्या कहा, इनका मानना है कि सोकी साहब बहुत अच्छा नेता है, अच्छा काम करते हैं लेकिन जो है जनता जो है इसका काम को देखकर भी
अनदेखा करते हैं, तो उसको जो है उन्होंने पावर चश्मा का भी जो है जिक्र किया। ये जो है जनता का एक नेता मानते हैं यहाँ के लेडीज के हिसाब से। तो आगे देखते हैं जो विधानसभा क्षेत्र जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो दापोर जो 24 दापोर जो एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल हब वोटर होते हैं, तो उसको जो है एक लेडीज होकर के जो है अपील कर रहा है कि डेवलपमेंट के साथ जो चलना है, जो भाजपा को साथ देना चाहिए और मौजूदा एमएलए सोकी सार को साथ देना चाहिए, यही है। तो आने वाला 19 को देखते हैं इतने वोटर्स जो है उभर के आते हैं सोकी सार के पक्ष में, और 2 मई को जाना जाएगा कि जीत किसका है, जनता ने सही मायने में डेवलपमेंट को साथ दिया है कि नहीं, ये जो है 2 मई को देखने को मिलेगा। तो अरुण भूमि न्यूज चैनल के सभी व्यूअर सभी दर्शक, मैं इन चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।